वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर PDF लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत तथा किस देश के बीच गोवा के तट पर वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त नौसेना अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रांस, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए भारत और फ्रांस मई 2019 में अपने सबसे बड़े नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन करेंगे। इसमें विमान वाहक, विध्वंसक पनडुब्बी और लड़ाकू विमानों को शामिल किया जाएगा। भारत अपने MiG-29 के लड़ाकू विमानों के साथ अपने विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य को तैनात करेगा और इसी तरह फ्रांसीसी नौसेना अपने विमान वाहक FNS चार्ल्स डी गॉल को अपने राफेल एम नौसैनिक जेट पर युद्ध पोतों की तैयारी करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रांस की बात की गई है तो मैं आपको बता दूँ कि फ्रांस यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। राइट, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में जलियांवाला बाग कविता खूनी बैसाखी पर लिखी पुस्तक का विमोचन किस देश में किया गया। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें जो राइट आंसर है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सही होगा। तो जलियांवाला बाग नरसंहार खूनी बैसाखी के बारे में 100 वर्ष पुरानी क्लासिक पंजाबी कविता की अंग्रेजी अनुवाद वाली एक किताब आबू धाबी में जारी की गई है और UAE में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने पुस्तक की लॉन्च करने में सहायता की है और इस कविता का अनुवाद श्री सूरी ने किया था जिनकी दादा क्रांतिकारी कवि और उपन्यास नानक सिंह जलियांवाला बाग के उत्तरजीवी थे। उन्होंने पहली बार 13 अप्रैल 1919 की घटनाओं को देखने के बाद इसको लिखा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये UAE में इसको लॉन्च किया गया है इस पुस्तक को, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, INS कोलकाता किस देश में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है चीन, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR में भाग लेगी जो कि चीन के चिंगदाओ लिबरेशन आर्मी नेवी की 70वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में चीन के किंगदाओ में आयोजित होने वाला है। भारतीय नौसेना IFR में स्वदेश निर्मित स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS कोलकाता और फ्लीट सपोर्ट जहाज INS शक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करेगी। तो ये कहाँ पर होगा, चीन में। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, वहाँ की राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और वहाँ की मुद्रा है रेमिनबी। ठीक है, तो आपको थर्ड क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, भारतीय व्यापार समुदाय के लिए विशेष कॉरपोरेट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने जो चार ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है रवि शास्त्री, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को भारतीय व्यापार समुदाय के विशेष कॉरपोरेट राजदूत राज अल खैमाह आर्थिक क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया गया है और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रवि शास्त्री में RAKEZ के माध्यम से अपने संचालन को स्थापित करने या विस्तार करने के लिए अधिक भारतीय व्यापारक नेताओं को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री को भारतीय व्यापार समुदाय के लिए विशेष कॉरपोरेट राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जो राइट आंसर है सायरी चहल, ऑप्शन ए सही होगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड PPB ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उद्यमी सायरी चहल को नियुक्त किया है और सायरी चहल महिलाओं के लिए एक सामुदायिक मंच श्री योस के संस्थापक और CEO हैं और PPB जिसे अगस्त 2016 में निगमित किया गया था इसने वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से अपना परिचालन शुरू किया था। तो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें सायरी चहल को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सऊदी अरब ने भारत का हज कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है।
इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो सऊदी अरब ने भारत के हज कोटे को 1,75,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का औपचारिक आदेश जारी किया है और ये निर्णय सुनिश्चित करेगा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में सभी हज आवेदक इस साल तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और 2,340 भारतीय मुस्लिम महिलाएं पुरुष साथी या महरम के बिना भी तीर्थ यात्रा के लिए जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सऊदी अरब की बात की गई तो मैं आपको बता दूँ कि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और वहाँ की जो मुद्रा है सऊदी रियाल। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, किस देश में एशियाई चाय गठबंधन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए 5 चाय उगाने वाले और खपत करने वाले देशों के संघ एशियाई चाय गठबंधन को 19 अप्रैल 2019 को चीन के गुइजोउ प्रांत में शुरू किया गया और इस गठबंधन के सदस्य भारतीय चाय संघ, चीन चाय विपणन, इंडोनेशियाई चाय विपणन संघ, श्रीलंका चाय बोर्ड और जापान चाय संघ हैं और ये चाय व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विश्व स्तर पर चाय को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने की योजना बनाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये जो चाय गठबंधन शुरू किया गया है वो चीन में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 अप्रैल 2019, ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में चीनी भाषा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है और ये जो दिवस है एक पौराणिक व्यक्ति कांगजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग 5,000 साल पहले चीनी भाषा के अक्षरों का आविष्कार किया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हाल ही में 20 अप्रैल को मनाया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने किस देश में कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण किया है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर नेपाल, ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत ने नेपाल में झैफेक कुंडलिंग मठ का पुनर्निर्माण किया है और इसमें स्याल्पना तेंजिंग ने 19 अप्रैल 2019 को सिंधुपाल चौक जिले के लिसांगू गांव में नव पुनर्निर्मित मठ का उद्घाटन किया गया है और ये जो मठ है इसकी स्थापना 1946 में लिसांगू ग्रामीणों को सक्रिय दीक्षा और योगदान के साथ की गई थी जिसका पुनर्निर्माण भारत ने नेपाल में कराया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया, वहाँ की पीएम है केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चीन में होने वाले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के अभियान का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन ए सही होगा। तो पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू 20 अप्रैल 2019 को निगम्बो चीन में शुरू होने वाली एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2019 में उन्होंने भारत की चुनौती का आगाज किया है और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ द्वारा वजन श्रेणियों में बदलाव के बाद 48 किलोग्राम के बजाय 49 किलोग्राम में वो प्रतिस्पर्धा करेंगी और पुरुष भारोत्तोलन में भारत की उम्मीदें जेरेमी नारिंगा पर होंगी जो कि पुरुष के एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें महिला की बात की गई तो महिला जो दल है उसका नेतृत्व मीराबाई चानू करेंगी, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर कोन डी लैंग का निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी सही होगा। तो स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर कोन डी लैंग का, जिनका ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे, उसके बाद 38 वर्ष की आयु में उस बीमारी से निधन हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे डी लैंग ने स्कॉटलैंड के लिए 21 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं जिन्होंने जून 2015 में आयरलैंड के खिलाफ T20 में अपनी शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे वो स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कितने भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 150, ऑप्शन बी सही होगा। तो दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ सेवारत कुल 150 भारतीय शांति रक्षकों को उनकी समर्पित सेवा और बलिदान के लिए सम्मान के पदक प्रदान किए गए हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके तहत इंडियन हॉरिजेंटल मोबिलिटी कंपनी ने दक्षिण सूडान में बेंटियू और लियर को जोड़ने वाले 145 किलोमीटर के सड़क मार्ग के नवीनीकरण को पूरा किया जिससे डिलीवरी के लिए मानवीय सहायता, व्यापार और अंतर सार्वजनिक मात्र आसान हो गया जिसकी वजह से वहां पर शांति की स्थापना हो सकी। तो इसमें कुल 150 शांति रक्षकों का योगदान रहा
जिसको हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी सही होगा। तो ये रहे आपके 12th क्वेश्चंस, और आगे देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है, जिसका आंसर रहेगा गुवाहाटी। और आज की कुछ का सवाल है, इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद अपने किसी फेसबुक या व्हाट्सएप के एजुकेशनल ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सभी PDF को वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पिछले माह की टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा है तो इन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।